शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मायावती ने चार राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभारियों के साथ मायावती ने मीटिंग की है और संगठन की मजबूती, साथ में पार्टी के जनाधार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसी पर हुई है चर्चा। वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी मायावती ने नेताओं से चर्चा की है। बड़ी खबर आपके सामने है। यूपी सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। बिहार, झारखंड और साथ में कुल मिलाकर चार राज्यों के प्रभारियों के साथ में हुई है चर्चा मायावती की। ये बड़ी खबर आपके सामने। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के प्रभारी के साथ में की है मीटिंग मायावती ने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन की मजबूती पर चर्चा की, साथ में पार्टी का जनाधार किस तरीके से बढ़े, इस पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए ये जो मीटिंग है बसपा सुप्रीमो मायावती की अपने आप में अहम हो जाती है। इसी पर हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। अनुभव, चार राज्यों के प्रभारियों के साथ में बैठक की है मायावती ने, क्या कुछ इस बैठक में हुआ होगा जरा बताएं अनुभव। देखिए बिल्कुल, इन दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिल्ली में है, लगातार अलग अलग राज्यों के जो प्रभारी है उनके साथ बैठक कर रही है। पार्टी को कैसे, संगठन को कैसे अलग अलग राज्यों में मजबूत कर रहे, इसी पर वो बातचीत कर रही, रोज बैठ के करती है। आज चार राज्यों के जो प्रभारी है उनको उन्होंने बुलाया था, वहाँ पर उनकी बैठक हुई है। बिहार भी है, झारखंड भी है, जो अन्य राज्य है, और सभी के साथ जो बैठक में चर्चा हुई, राजनीतिक हालात जो है उसको लेकर चर्चा हुई। खासतौर पर बिहार की भी बात हुई, इसमें मायावती ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कहीं ना कहीं दल बदल कर रहा है, दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर रहा है, कांग्रेस की तरह ही वो भी विपक्ष को कमजोर कर रहा है। फिर उत्तर प्रदेश की भी चर्चा हुई और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बातचीत में ये भी कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार बार तमाम सारे हम कहें कि हस्तक्षेप कर रहा है, उसके बावजूद यूपी सरकार संकीर्ण और नफरती जातिवादी और सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही है और वो पूरे देश में इसमें सबसे आगे है। तो कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो ने आज चाहे मानवाधिकार की जो रिपोर्ट आई उसको देख लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उनको लेकर मायावती ने प्रदेश सरकार पर निशाना एक बार फिर साधा है। साफ तौर पर कहा है कि जातिवादी जो मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है और कहीं ना कहीं नफरती एजेंडा जो है उसमें कहीं ना कहीं मिसाल पेश कर रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गाँव में जो बिजली नहीं है उस पर भी कहा, जिस तरह से उनके गांव में अगर बिजली नहीं है, आप ये सोचिए कि जो राष्ट्रपति बनी है उस वहाँ बिजली की व्यवस्था न होना, इस पूरी खबर से देश दुनिया में सुर्खियां बनी और इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो कहती है कि विकास है उसके सारे तालों की खोल खुल गई है। बढ़ती महंगाई, गरीबी, इन मुद्दों को लेकर भी साफ तौर पर बीएसपी सुप्रीमो ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। चलिए शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर रही मायावती हमेशा की तरह और अपनी ताजा स्थिति को लेकर भी मंथन किया होगा जाहिर सी बात है। और इन चार राज्यों में पार्टी किस तरीके से मजबूत हो सकती है, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, सामने 2024 का चुनाव है, इसलिए भी ये दिल्ली वाली बैठक अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।